नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पिछले दिनों पांकी थाना क्षेत्र के कारी माटी में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के क्रम में दिलीप दांगी नामक युवक पर गोली चलाने वाले अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में दांगी समाज ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, जिलाध्यक्ष दयानंद सिंह और कोषाध्यक्ष अशोक सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस घटना के प्रति आक्रोश जताया, साथ ही 15 दिनों के अन्दर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें, दिलीप दांगी अपनी पत्नी के साथ देवघर से पूजा कर तरहसी थाना क्षेत्र स्थित अपने गांव गुरतुरी लौट रहे थे। इसी क्रम में कारी माटी जंगल में पेड़ गिराकर सड़क अवरुद्ध करके लूटपाट की नीयत से झाड़ी में छिपे अपराधियों ने कार सवार दिलीप दांगी पर गोली चला दी थी। एक गोली कार के टायर में और दूसरी गोली दिलीप के हाथ में लगी थी। बावजूद दिलीप ने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए कार को वापस मोड़कर हिरंज थाने को जाकर पूरे घटना की सूचना दी। दिलीप की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन दांगी समाज अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से आक्रोशित है और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। अभी हम लोग कुछ दिन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 दिन तक अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम दांगी बंधु उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। उसमें चाहे थाना घेराव होगा, SP कार्यालय घेराव होगा, हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। स्थिति अभी करीब करीब हाथ में लगा हुआ है, इसलिए वो खतरा से तो बाहर है लेकिन खर्चा ज्यादा है, इसलिए मैंने उनका अथी अभिभावक का भी मैंने स्थिति अच्छा नहीं है। उस स्थिति में हम लोग भी ऐसे प्रयास करेंगे कुछ मदद करने का। जब रात हो जाता है तो आप लोग गाड़ी एक बार इकट्ठे करके साथ में छोड़ा करिए, क्योंकि इस तरह का सेंसिटिव एरिया है। वो ना आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होता है या हो रहा है। अगर मेरा भाई उतना साहस नहीं दिखाता दिलीप, तो हो सकता था कि उसके साथ अनहोनी हो जाता। तो इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि जो भी वहां पे लुटेरे हैं या अपराधी किस्म के लोग हैं, सबसे पहले तो प्रशासन इनका जांच करे और जांच करके इस पर कार्रवाई करे, वरन गिरफ्तार करे। नहीं तो हमारा समाज बहुत जल्द, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, बहुत जल्द हम लोग पाकी जाम करेंगे पूरे विधानसभा के लोग। इसमें ये कोई पार्टी और जाति का मतलब नहीं है, पूरे विधानसभा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और हम अपने SP मैडम से, अपने पाकी थाना प्रभारी से ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसा हमारे पलामू जिला अध्यक्ष ने बोला कि 15 दिन के अंदर हमारे जो भी हमलावर हैं उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हमारा समाज ही नहीं वरन पूरे विधानसभा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।